अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप लोग की कमेंट्स आ रही थी कि मैम ये डिज़ाइन बना के बताइए, तो ये मैं स्वेटर 10 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पे आधा आधा फंदा अलग अलग करना पड़ेगा। ये डिज़ाइन हम बीच में से बनाएंगे यहाँ से। तो देखिए, मैंने पहले से ही इतना बुन के रखा है। यहाँ पे हम 12 फंदा छोड़ेंगे, दो यहाँ पे छोड़ा है। तो देखिए, हम धागा आगे करेंगे और 12 फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम पीछे धागा करेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे और उल्टी साइड से हम उल्टी ही बुनेंगे। देखिए, इतना बुनने के बाद हम धागा यहाँ पे सीधी साइड से हम धागा आगे करेंगे और ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे 12 फंदे। और यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके। देखिए, हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे इसमें से लेके ऐसे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। इसी तरह हम हर सिलाई में यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। 12 फंदे से हम एक एक फंदे बढ़ा के यहाँ पे 24 फंदा कर लिया है। देखिए, हम धागा ऐसे पीछे करेंगे और इसको हम उतार लेंगे ऐसे, बुनेंगे नहीं। पीछे की साइड से देखिए हमें क्या करना है। पीछे की साइड से हम इसको ऐसे बुन लेंगे और ये दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे। इसी तरह हम हर सिलाई में एक एक फंदा घटाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह हम इधर भी बनाएंगे। अभी हमने एक ही बनाया है, ऐसे ही हम दो ऊपर भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। दोनों तरफ तीन तीन डिज़ाइन हो चुका है हमारा। अब देखिए, हम इसी में से कॉलर का भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो कॉलर का डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे इस साइड में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर से हम 12 फंदा छोड़ के इधर से हम एक एक फंदा पीछे के साइड से घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पे इधर से ऐसे उठा के हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है।
देखिए हमने इतना 12 फंदा यहाँ पे बुन लिया है, और यहाँ पे हम दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। आपको ध्यान देना, इधर से हमें घटाना है बैक साइड से, और सीधी साइड से हमें यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 24 फंदे बढ़ा लिए हैं, 12 फंदे, यहाँ पे 24 फंदा हो चुका है हमारा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे अब ऐसे ही बुनेंगे 4 इंच तक। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों साइड में 4-4 इंच बीन के तैयार कर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसे हमने पिछले वाले पल्ले में देखिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए हम यहीं तक, यहीं देखिए हम यहीं तक जोड़ेंगे, और इतना हम 24 फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए हम दोनों सिलाइयों के एक इस वाले फंदे को हम इस सिलाई में लाएंगे। देखिए ऐसे जोड़ेंगे हम, और फिर से इस वाले फंदे को हम आगे वाली सिलाई में लाएंगे। देखिए हमने इतना जोड़ लिया, इसी तरह से हम देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक जोड़ेंगे, यहीं तक, और इधर हम 24 फंदे बचा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, और इतना फंदा हमने छोड़ा है। इसी तरह हम इधर भी सिलाई से ही सिलाई लगा लेंगे, और इतना फंदा हम 24 फंदा छोड़ेंगे, और ऊपर हम फिर से 3 इंच बुनेंगे। कॉलर बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने तो ये 3 इंच बुन कर तैयार कर लिया है। देखिए दोनों साइड में हमने इतना बुन लिया है। अब देखिए हम इसे ऐसे पीछे की साइड से सिलाई की मदद से हम देखिए ऐसे, देखिए अब हम सिलाई की मदद से ऐसे उतारेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा इसको जोड़ लिया है। देखिए हम यहाँ पे करके ऐसे अंदर की साइड से ऐसे करके अंदर की साइड से हम ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कॉलर बना दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे बीच में ऐसे यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे। इस पे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ तक।